20 जुलाई 1969 यह पहली बार था जब किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह के करीब 1:47 पर नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा। यह अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इससे पहले ना तो किसी देश ने और ना ही किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। अमेरिका के लिए मिशन अपोलो 11 बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन था, क्योंकि उस समय कई देश टेक्नोलॉजी में काफी पीछे थे, तो यदि कोई देश चांद पर अपना कोई मिशन तैयार करता तो अन्य देश उसे और भी शक्तिशाली मानने लगते थे। इसलिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 6 स्पेस मिशन करके चांद पर इंसानों को भेजा। लेकिन नासा ने अपने स्पेस मिशन अचानक से क्यों बंद कर दिए और क्यों कोई और देश अब अपने एस्ट्रोनॉट्स चांद पर नहीं भेजता? और जिस चांद पर इंसानों के रहने के लिए जगह खोजी जा रही थी, वो चंद्रमा आज भी वीरान क्यों पड़ा हुआ है? आज इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं, तो बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, 70 के दशक में पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही सुपर पावर देश हुआ करते थे, अमेरिका और रशिया, और ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। और जब स्पेस मिशन की बात आई तो दोनों ही देशों ने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके चांद पर जाने के मिशन की शुरुआत की। सोवियत यूनियन ने 1969 में अपने स्पेस मिशन लूना 2 से पहली बार चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग की थी। हार्ड लैंडिंग जानबूझकर कराई गई थी। इसके 3 बाद अमेरिका ने भी 1962 में अपना स्पेस मिशन रेंजर 4 को जानबूझकर चांद पर क्रैश कराया, क्योंकि यह लोग जानना चाहते थे कि अगर चांद पर स्पेसक्राफ्ट क्रैश होगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा। इसके बाद दोनों ही देशों की स्पेस एजेंसियों ने इंसानों को चांद पर भेजने का सपना देखा और दोनों ही देश इस कोशिश में लग गए कि कौन पहले चांद पर अपना झंडा लहरा पाता है। रशिया ने स्पेस में सबसे पहले अपने एस्ट्रोनॉट को भेजा और यूरी गागरिन स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। लेकिन इसके बाद स्पेस में सबसे बड़ी खोज होने वाली थी चांद पर इंसान का कदम रखना। उस समय के यूएस प्रेसिडेंट ने ऐलान कर दिया था कि दशक के अंत तक हम चांद पर कदम रख देंगे। कई सालों की मेहनत के बाद अमरीका ने यह कारनामा कर दिखाया और 1969 में अपने 2 साइंटिस्ट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को चांद पर पहली बार लैंड कराया और सोवियत यूनियन की स्पेस एजेंसी को पीछे छोड़ दिया। नासा ने इस पूरे मिशन की लाइव स्ट्रीमिंग भी की ताकि पूरी दुनिया उन्हें चांद को फतह करते हुए देखे, और ऐसा हुआ भी। सबने अमेरिका का लोहा माना। इसके बाद नासा ने अपने स्पेस मिशन 12, 14, 16 के तहत 10 और साइंटिस्ट को चांद पर भेजा था और आज तक 12 लोग ही चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर पाए हैं, और ये 12 के 12 लोग अमेरिका की नासा एजेंसी के ही हैं। और इस तरह से अमेरिका ने रशिया को काफी पीछे छोड़ दिया था। इस अद्वितीय सफलता के बावजूद नासा ने पहली मून लैंडिंग के केवल 3 बाद दिसंबर 1972 में अपना लास्ट मून मिशन अपोलो 17 किया था। तब से लेकर अब तक चांद पर कोई भी इंसान नहीं गया है। इसका सही कारण बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि काफी लोगों ने इसके कारण अपने अपने हिसाब से बताए हैं। इन्हें आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी कह सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि जब अपोलो 11 के दोनों एस्ट्रोनॉट्स की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी तो वो थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। माना जाता है कि दोनों ही वैज्ञानिक दुनिया से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन दोनों की आवाज कुछ देर के लिए काट दी गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि उन्हें चांद पर कुछ लंबे टावर दिखाई दिए थे, जिसे चांद की जमीन से अंदर से बनाया गया था, जिसे देखकर वो दोनों बुरी तरह से चौंक गए थे, क्योंकि वो टावर कहीं से भी नेचुरल तरीके से बने नहीं लग रहे थे और उनकी ऊंचाई पृथ्वी की बिल्डिंग से काफी ज्यादा थी। लेकिन आज ये टावर पूरी तरह से वीरान पड़े हैं। इन्हीं पर रिसर्च करने के लिए नासा ने कई बार अपने साइंटिस्ट को चांद पर भेजा था। कई लोगों का ये भी कहना है कि कई सालों बाद बज एल्ड्रिन ने बताया था कि जब वो चांद पर उतरे थे तो एक लाइट ने उनका काफी देर तक पीछा किया था, और वो लाइट और कुछ नहीं बल्कि एक यूएफओ था, जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना था जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकते थे।
एक और ऑफिसर ने दिल दहला देने वाला खुलासा किया कि जब नील और बज चांद की सतह पर लैंड हुए तो उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग बंद करके मेडिकल टीम को संपर्क करके बताया कि कोई यहां पर है और वो हमें लगातार देख रहे हैं। लेकिन नासा ने इन बातों को किसी के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि इससे पूरी दुनिया में खलबली मच सकती थी। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये भी कहती हैं कि चांद पर जाने वाले कई एस्ट्रोनॉट्स चांद पर होने वाली कई अजीब घटनाओं के बारे में बताते हैं। कुछ ने चांद पर अजीब सी आवाजें भी सुनी और चांद की सतह पर कुछ अजीब से निशान भी देखे थे। इसके साथ साथ चांद के एक क्रेटर में एक सैटेलाइट जैसा स्ट्रक्चर भी देखा गया जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एलियंस का कम्युनिकेशन टावर भी हो सकता है। इन थ्योरीज को माने तो चांद पर एलियंस आते जाते रहते हैं और उनका वहां पर अपना ठिकाना भी है। दोस्तों, एलियंस होते हैं या नहीं, आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अपने 6 सफल मिशन्स के बाद नासा ने अपने मून मिशन पर रोक लगा दी। हमने पहले इस वीडियो में आपको इसकी कई फेमस थ्योरीज, जिन्हें आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी कह सकते हैं, वो बताई, लेकिन नासा ने कभी भी इन थ्योरीज की पुष्टि नहीं की। असल में दिसंबर 1972 को अपोलो 17 के साथ ही नासा ने ये मिशन दोबारा इसलिए नहीं किए क्योंकि इन मिशन्स पर काफी लागत आती है और आम लोग भी इनका विरोध करने लगे थे। नासा को इन मून मिशन्स के लिए काफी क्रिटिसिज्म सहन करना पड़ा। 1962 के न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा गया कि जितने पैसे मून मिशन पर लगाए जा रहे हैं उनमें हार्वर्ड के साइज की 120 यूनिवर्सिटीज तैयार की जा सकती हैं। लोगों का कहना था कि अमेरिका में अभी कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन की, पॉवर्टी की, और उस समय अमेरिका को वियतनाम की वॉर के कारण भी काफी नुकसान हो रहा था, तो क्यों मून मिशन पर इतने पैसे लगाए जा रहे हैं। मून मिशन काफी महंगा था दोस्तों, उस टाइम इसकी टोटल कॉस्ट पड़ी थी $24 बिलियन। आज के दिन में ये $100 बिलियन की कॉस्ट है। पहले सिर्फ जर्नलिस्ट इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन 1972 के आते आते और वियतनाम वॉर के कारण बढ़ रही मुश्किलों की वजह से आम लोगों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। पॉलिटिशियंस को आम जनता की बात माननी पड़ी और मून मिशन पे पैसा लगाना बंद कर दिया गया। आज भी दुनिया के कई देश चांद पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं। इस वक्त सारी दुनिया की नजर हमारे चंद्रयान 3 पर गड़ी है। इसके सफल होते ही नासा भी अपना नया मून मिशन आर्टिमिस लॉन्च करने वाला है। नासा ने कहा है कि इस बार वो इस मिशन में पहली औरत और फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर को भी मून पर भेजेंगे। चंद्रयान 3 से मिली जानकारियों का नासा के इस मिशन को काफी फायदा हो सकता है। उम्मीद है कि इस दशक के अंत तक फिर से इंसान मून पर लैंड करेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी भरी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।